बिग बॉस 17 के आखिर ऐसे कौन से कंटेस्टेंट है भाई जिनकी इस एक्स कंटेस्टेंट ने जमकर बैंड बजाई और बहुत तगड़ा इनको बोलते ना आड़े हाथों लिया है, लपेटे में लिया है और इनकी गेम को एक हिसाब से अगर देखो तो भाई खोल कर जनता के सामने रख दिया है। और इनकी धजिया उड़ाने में ना बिग बॉस की जो एक्स कंटेस्टेंट है कॉन्ट्रोवर्शियल और पॉपुलर कंटेस्टेंट है और सिर्फ बिग बॉस ही नहीं बल्कि एक और रियलिटी शो कर चुकी है इस समय, तो ये बहुत खुलकर बैंड बजा रही है अभिषेक कुमार की। और भाई अगर इनकी हत्या अभिषेक चढ़ रहे हैं तो बचने वाले नहीं है, ये पूरा एक्सपोज करके ही मानेंगी अगर कौन है ये कंटेस्टेंट और किस तरीके से उन्होंने अभिषेक कुमार के गेम को एक्सपोज किया है इस पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। आपको बता दें कि भाई इस समय पर अभिषेक कुमार जो है बिग बॉस के घर में है और मैंने कल मेरे लाइव पर भी आप जाके देख सकते हो मैंने चीज़ बोली थी कि भाई अभिषेक की फाइट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा फेक लग रही है, मैं उनका गेम समझ नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो एक्चुअली में बाहर से जो है पूरा प्लानिंग करके आए हैं अभिषेक की भाई कैसे उनको अपना गेम जो है बनाना है और कैसे उनको इस गेम में टिकना है। और सेम टू सेम इस बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने भी भाई अब एक स्टोरी अपलोड करके अपना बयान दिया है। मैं बात कर रहा हूँ अर्चना गौतम की जो कि एक पॉपुलर बिग बॉस कंटेस्टेंट है, अपने सीजन में भाई राज कर चुकी है। कॉमेडी में इनके तोड़ का कोई नहीं था, इनके टक्कर का कोई नहीं था। इस समय अगर बताऊँ आपको तो भाई अर्चना गौतम भी कहीं ना कहीं बिग बॉस सीजन 17 को बहुत धड़ल्ले से और बहुत ज़्यादा खुलकर फॉलो कर रही हैं और इन्होंने अभिषेक कुमार को अपना टारगेट बनाया। अभिषेक की इन्होंने वीडियो अपने स्टोरी पर लगाई ये कहते हुए कि भाई कितना झूठ बोलता है बंदा, कितना झूठ बोलता है, जैसे इसको पता ही नहीं था कि इसकी गर्लफ्रेंड बिग बॉस के घर में आने वाली है। ये मुझसे पूछ के गया था कि मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो दीदी क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, तो लग रहा है इसको लग रहा है कि जनता को पता नहीं चलेगा कि भाई पहले मैं थोड़ा सा प्यार दिखा लेता हूँ फिर उसके बाद थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कर लूँगा और ऐसे ही मेरा गेम बिग बॉस के घर में चल जाएगा। इसको लग रहा है कि जनता पागल है, ये अर्चना गौतम ने शुरू डालकर बाकायदा बोला है। भाई फिलहाल तो लग रहा है कि अर्चना पूरा एक्सपोज करने वाले मूड में अभिषेक कुमार को, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।